अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमेरात कैसा रहेगा, 25 जून आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल किसी तंजीम या अदारे की सरबराही आपसे दोबारा ले ली जाएगी, यानी कि वो ख़त्म हो सकती है। माजी में किए गए कुछ सरकारी नौयत के काम आज के दिन जेरे बहस आ सकते हैं, जिनकी वजह से आपके जहन में काफ़ी सवालात पैदा हो सकते हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए आज का दिन आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। चाहे इस वक्त में आपकी ज़मीन की जो कीमत है वो आपकी तवक्को से कम ना होगी, दूसरी जगह से भी आपको फ़ायदा मिलने के अमकानात हैं, लिहाजा आज के दिन आपके लिए अच्छे मुआमलात भी सामने आ सकते हैं। बुरज सौर आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपने लिए नए मुआमलात की आज के दिन तहकीक करनी होगी। कुछ दिनों के आराम के बाद फिर से आपको दोबारा अपनी तवानाई और मेहनत को दोबारा जारी करना पड़ेगा। इम्तिहानात आपके लिए खड़े हो सकते हैं, आपके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं, लिहाजा साबित कदम रहें और अपने मामलात पर डटे रहें। बज़ाहर हर कुछ काम आगे बढ़ते हुए आपको आज के दिन दिखाई देगा, मगर कुछ ऐसी सूरतेहाल भी पैदा होगी जो आपके मुखालफत करेगी और ये आपके लिए फ़िलहाल ऐसा मुनासिब नहीं है। बुरज जौजा आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अगर अपने मामलात में बेएहतियाती करेंगे तो आप अपने लिए ही मुश्किलात पैदा करेंगे। अगर किसी बच्चे ने आपको बताया है तो आपको उस रास्ते पर भी चलने से इनकार नहीं करना चाहिए, फिलहाल आप मजबूर हैं और आपको ऐसा करना चाहिए। उम्मीद भी है कि सूरत हाल आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगरचे वक्त बेहतर है मगर फिर भी किसी किस्म के काम करने से पहले आप अपने बुजुर्गों या दोस्तों से मदद लेने से किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगी। बुरज सरतान इस बुरज से मुंसलिक अफराद की आज के दिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, अल्लाह ताला से मांगें जो आपके हक में बेहतर होगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानने वाला है। पेशेवराना मामलात में बहुत अहम मुस्बत मामलात सामने आ सकते हैं, कोई आज के दिन रुका हुआ काम या फिर कोई आज के दिन आपकी रुकावट दूर हो सकती है। गैर ज़रूरी बहस मुबासों और सफ़र से आज के दिन आपको गुरेज ही करना चाहिए, ये ना हो कि आप अपना वक्त ज़ाया कर लें और बाद में हाथ देखते रहें। बुरज असद आज के दिन हकायक को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने मामला तय करने की ज़रूरत है। ज़ाती घर की ख्वाहिश अच्छी है
लेकिन इसके असूल के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। अगर कर्ज़े की नौबत आ जाए तो आपकी जो भी बाकी अदायगी होगी, आपको उसके बारे में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। लिहाजा अभी आपको अपने मुआमलात में मज़ीद मेहनत और एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई भी छोटी सी गलती आपका सारा बना बनाया काम बिगाड़ सकती है, मोहतात रहें। बुरज सुमला, अगर आप बायक वक्त यानी के एक साथ दो मंसूबों पर काम कर रहे हैं तो ज़ाती पसंद की बजाय जो मंसूबा अहम हो उसको जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करें। अब तो आपकी सूझबूझ और दूर अंदेशी पर मुनहसर है कि आप इन मुआमलात में कैसे सरवाइव करते हैं या इन मुआमलात को कैसे पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। जारी काम की तकमील के सिलसिले में पेशेवराना अहमियत की आज के दिन आपको ज़रूरत को देखना पड़ेगा। ये चीज़ कितनी अहम है इस बारे में भी सोचें। बुरज मेज़ान, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी काबिलियत और हैसियत खुद से ज़्यादा बेहतर करे तो कोई भी आपके रास्ते में नहीं आएगा, लिहाजा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए आज आपके लिए मुआमला मुश्किल हो सकते हैं। हकीकत पसंदी का भी आपको मुजाहरा करना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। किसी काम के करने के बाद अगर नताइज नहीं मिल पा रहे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से कोशिशों को जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाने देता, आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बुरज अकरम, आज के दिन आपको किसी से शिकवा करने से बेहतर है कि खुद कदम उठाएं और धीरे धीरे हालात बदलने के लिए अपनी कोशिश को जारी रखें। दफ्तर या घर में नए मुलाजिम रखने हैं तो आपको इस बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, अच्छी तरह से तसल्ली करें और इनके माजी से आगाही भी हासिल करें तो ये आपके लिए ही बेहतर साबित होगा, वरना मुश्किलात आपके लिए मज़ीद बढ़ जाएंगी और ये आपकी दिमागी परेशानी की भी वजह बन सकती है। बुरज कौस, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद की तरह आप अपने मुआमलात में खिंचा हुआ और तलुकात में पचीदगी महसूस करेंगे। जिन्हें आप पसंद नहीं करते उनकी वजह से आज के दिन आपके मुआमलात बिगड़ सकते हैं और आप अपने लिए जो भी करेंगे उसकी आपको कोई खुशी नहीं होगी। कोशिश करें कि इनसे ला तल्लक रहें, इनको छोड़ दें, किसी किस्म का भी तल्लक रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे मंसूबे के लिए सरमायाकारी के असूल में आज के दिन आपको कामयाबी हासिल हो सकती है, लिहाजा अपनी मेहनत जारी रखें। जो काम कर रहे हैं इस पर फोकस करें और इस काम में महारत हासिल करने की कोशिश करें। बुरज जद्दी, तनकीद पर मुस्बत अंदाज में गौर करें,
गुस्से का इजहार नुकसानदेह साबित होगा। इख्तलाफात की सूरत में तहम्मल मजाजी से अपने नुक्ते नज़र को वाजिया करें, उनको समझाएं कि आप क्या कर रहे हैं और ये उनके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है। लिहाजा अपनी बात को कहने के लिए आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा। अगर कहीं जाना ज़रूरी है तो उस काम में ताखीर ना करें। इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशें आपके लिए बेहतरीन नतायज सामने ला सकती हैं, जो कि आपकी खुशियों को मज़ीद बढ़ा दें। बुरज दिलु, इस बुरज से मुंसलिक अफराद तलुकात की बिना पर किसी से भी चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर इस बात को जहन में रखें और कोशिश करें कि जो काम आप करवा रहे हैं वो अच्छा और कानूनी तौर पर बेहतर हो। आप काम के हवाले से बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छे नतीजे सामने लाएगा। कोशिश करें कि किसी ऐसी मुश्किल का शिकार ना हो जिसमें आपकी तवज्जो काफ़ी ज़्यादा कम हो, ये आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं, इसीलिए आपको मोहतात रहना चाहिए। मोहब्बत के मामलात में आज के दिन आपको सोच विचार करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी रद्द अमल को पेश करना चाहिए। बुरज हौत, इस बुरज से मुंसलिक अफराद को घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आज के दिन कोशिशें करनी चाहिए। अगर पेशेवराना मसरूफियात आपके रास्ते में आ रही हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि फैमिली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको भी टाइम दें और अपने मामलात में आप इसके बाद ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अब माली लिहाज से बहुत सी तब्दीलियां रूनमा हो सकती हैं, जिनसे कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी हो सकती है। लिहाजा आज के दिन आपको ही ये सोचना और समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके नताइज आपको क्या हासिल होंगे। लिहाजा आज के दिन आपको अपने साथी की बातों पर यकीन करने का मशवरा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।